व्यापारी प्रकोष्ठ इंदौर ने गरीब और जरूरतमंद बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए। इस मौके पर विधायक ऊषा ठाकुर मुख्य रूप से वहां पर मौजूद थी। नया शिक्षण सत्र शुरू हो चुका है, जिसे देखते हुए व्यापारी प्रकोष्ठ इंदौर ने करीब 300 स्कूल बैग का वितरण किया। ये बैग राजकीय बाल संरक्षण अनाथ आश्रम में किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक ऊषा ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। इस मौके पर विधायक ऊषा ठाकुर ने आश्रम के इतिहास के बारे में अवगत करवाया और बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने साथियों के साथ संस्था के लिए लड़ाई लड़ी और इसको संस्था को देना चाहते। 12 मई की बात होगी, सोनिया गांधी जी आई, हमारे मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने यहाँ के जिलाधीश ने मिलकर सबने कार्यक्रम तय कर लिया था कि माननीय सोनिया जी के हाथों उस संस्था को ये जमीन और भवन सौंप दिया जाए। हम लोगों को कुछ सूझ नहीं पड़ा, हम सब सामाजिक कार्यकर्ता थे, आरएसएस के मैदानी कार्यकर्ता, सबकी सब ने मिलके हमने सोनिया गांधी जी को काले झंडे दिखाए। और वो जेड प्लस था उनका, खूब सबकी पिटाई हुई, 15 दिन तक जमानत नहीं हो पाई। हम 15 बहनें और लगभग 11 भाई सब लोग जेल में रहे, पर आप सब सज्जन शक्ति के आशीर्वाद से 2007 तक इसका मुकदमा हाईकोर्ट में लड़ा और पहली बार हिंदुस्तान में मिजोरियों से मध्य प्रदेश में नहीं साई मशीनरी का सामान बाहर फेंका गया। व्यापारी प्रकोष्ठ इंदौर की ओर से अभी हमने 300 बैगों का वितरण किया है और ये सारे बैग जो ज़रूरतमंद बच्चों के और अनाथ आश्रम के बच्चों के बीच में हमने इनको वितरित किया है। कॉपियाँ, पेंसिल्स और स्टेशनरी तो सभी लोग बांट रहे हैं, संस्थाएं बांटती है, प्रशासनिक रूप से, गैर प्रशासनिक रूप से बढ़ती हैं। इस बार हमने बैग की जो असुविधाएँ बच्चों को होती है लाने ले जाने के लिए, क्योंकि बैगों की कीमत बहुत महंगी हो चुकी है, इस प्रकार से हमने 300 बैगों का वितरण व्यापारी प्रकोष्ठ इंदौर की ओर से किया है। उसी प्रकार से आज भी हम जो है यहाँ राजकीय जो अनाथ आश्रम है उसके बच्चों को हम वितरित करने आए हैं, जो अनाथ आश्रम के रूप में यहाँ स्थापित है उन्हीं बच्चों को हम दे रहेंगे। वहीं नन्हे नन्हे बच्चों को जब बैग बांटे गए तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। कुल मिलाकर जरूरतमंद और अनाथ बच्चों के लिए व्यापारी प्रकोष्ठ की यह पहल उनके उज्जवल भविष्य में मददगार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।